दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों सीता रसोई में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और ये रहा सोयाबीन, और ये रही सोयाबीन की बड़ियाँ। तो मैं बनाने वाली हूँ आज सोयाबीन की बड़ी से सोयाबीन के कबाब। तो मैं इस बड़ी को आप पानी में उबाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पानी में उबाल आ गया है, और ये सोयाबीन बड़ी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से उबाल लेती हूँ एक मिनट के लिए। देखिए दोस्तों, बड़ी एक मिनट उबल चुकी है, और अब मैं कर दूंगी गैस को बंद, और इनको अच्छा दो तीन पानी में इनको धो लेंगे, फिर इनका पानी निचोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने गैस से बड़ी उतार ली, अच्छे से उबल गई है ये, और इस दूसरे बर्तन में मैंने इसको डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें ठंडा पानी, और दो तीन पानी से इनको धो लेते हैं। इन बड़ियों का हम पानी निकाल लेते हैं, तो फिर ऐसे निचोड़ के अच्छी बढ़िया से सारा पानी निकाल देंगे, बिल्कुल ऐसी सूखी सूखी रहेंगी ना, और इसको इस प्लेट में डाल देंगे। ऐसी सारी बड़ी का पानी निकाल देते हैं। तो दोस्तों, हमने सारा बड़ी का पानी निकाल लिया है, और थोड़ा तोड़ भी लिया है। और देखिए दोस्तों, अब हमने ले लिया है ये सामान इतना। तो ये हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्ची है, जीरा है, खड़े धना है, और ये मिर्ची है, और ये नमक है, टेस्टी नमक है, जीरा है, और ये हरी मिर्ची है, ये हरी धनिया है, और ये थोड़ा सा तेल है। इतना सामान मैंने ले लिया है, और ये मैं सारा सामान बड़ी में डाल दूँगी। ऐसा सारा सामान बड़ी में डाल दूँगी, और ऊपर से मैं डाल दूँगी इसमें तेल। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें बेसन बैंडिंग के लिए। दोस्तों मैं बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम सामानों में इसको सोयाबीन के कबाब बना रही हूँ। इसमें बेसन की जगह दाल फुला के भी डाल सकते हैं। अब सब अपने अपने तरीके हैं सब लोगों के। मेरा तरीका बिल्कुल सरल तरीके से बनाना है, आपको कबाब बना के बताना है। तो मैं अब इसको मिक्सी में थोड़ा सा चलाऊँगी, जिससे कि थोड़ा दरदरा सा इसको पीस लेती हूँ। तो मैं अब इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो मैंने इसको बढ़िया से पीस लिया है, और मैं अब इसको इसमें निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ऐसा पीस लिया है। अब इसको मैं हाथ से अच्छा इसको मिला लेती हूँ, पूरा मल लेती हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से मल लिया है पूरा, और अब इसके बनाएंगे कबाब। तो ऐसे गोल गोल बना लेंगे, पहले इसमें से लेंगे ऐसा तोड़ के, और ऐसा गोल करेंगे, हाथों में तेल लगा लेंगे, और ऐसा इसको कबाब का शेप दे देंगे। ऐसा ऐसे सारे बना के रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये कबाब बना लिए हैं सारे, ये देखिए ऐसे, और ये दोनों तरफ से। अब मैं गैस पे इसको चलते हैं गैस की तरफ, तो इनको तवे पे सेक लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने तवा रख लिया है, गैस चालू कर दी है। अब इस पे डालेंगे एक चम्मच तेल, इसको भी अच्छे से फैला देंगे, और इसके बाद अब इसमें डालेंगे ये कबाब बना के रखी ना, ये डाल देंगे एक एक करके, ऐसे फैला देंगे। ऐसे सारे कबाब डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने सारी कबाब डाल दी है, एक तरफ से एक जान, तो दूसरी तरफ से फिर पलट देंगे इनको। अब दोस्तों, इनको हम पलट देते हैं चमेटे से, ऐसा पकड़ के ऐसा इनको पलट देंगे ऐसे। ऐसे सारे पलट देंगे दोस्तों, और दोनों तरफ से अलग पलट करके इनको सेक लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है ना, अब उस तरफ से भी सेक लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ से सिक गए थे, और इस तरफ से भी मैंने ये देखिए सेक लिए। अब दोनों तरफ से ये सिक चुके हैं, देखिए दोनों तरफ से बढ़िया से हो चुकी हैं। तो इनको अब देख, तेल भी नहीं है दोस्तों ज़्यादा, ये देखिए एकदम सूखी सूखे सेलो फ्राई किए हैं मैंने, बढ़िया से सिक चुके हैं। अब गैस को करते हैं बंद, और लगाते हैं प्लेट। तो चलिए दोस्तों, प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने रखा है सॉस, और अब मैं रखूँगी कबाब। ऐसे मैं जमा के रख देती हूँ कबाब को। तो दोस्तों देखिए, सोयाबीन के कबाब बनके तैयार हैं, और प्लेट भी लग के तैयार है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए कितने खस्ता बने हैं, ये देखिए, और दोनों तरफ से बढ़िया से सिके हैं। मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, ऊपर से खस्ता है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए। तो फिर दोस्तों, सॉस में डिप करिए, और कबाब का मजा लीजिए। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।